कानपुर देहात में बुजुर्ग किसान परिवार के साथ बैठा भूख हड़ताल। अनशन पर रसूलाबाद के लहरापुर मेन जीटी रोड के समीप बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया दबंगों के द्वारा पीड़ित किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी किसान को न्याय नहीं मिला। थक हार कर किसान परिवार के साथ भूख और अनशन पर बैठा पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि गाटा संख्या 1704 रकवा 0.1540 हेक्टेयर जमीन के इंतखाब किसान के नाम से है। वहीं गांव के राम प्रसाद यादव पुत्र भारत व विजय सिंह व चंद्र प्रकाश पप्पी आदि ने जबरन कब्जा करने का बुजुर्ग किसान ने आरोप लगाया है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित जमीन का न्यायालय में मामला चल रहा है। किसान द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हो रही है। जांच पड़ताल में पुनर्निवास में आवंटित जमीन पर व्यक्तियों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला आया है। सर, हमारी जमीन हमको नहीं मिल रही है। कहीं शिकायत की थी आपने? हाँ सर, कई एक पद हमने भेजे। कहाँ कहाँ शिकायत की? हम यहाँ गए मुख्यमंत्री का ऑनलाइन करी और मजिस्ट्रेट करी, यहाँ सभासद करी, शिकायत कोई सुनवाई नहीं। कई एक अपनी धन दिए। कब से परेशान है? 3 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई कर। आज अनशन पर बैठे हैं। हाँ सर, क्या मांगे हैं? कौन अब तक आया यहाँ? हमारी मांगे सर एक है कि अवैध कब्जा खाली करवाया जाए और हमारी जमीन हमको दी जाए। जमीन आपकी है? हाँ। कब्जा कौन की है? कब्जा की है राम भट्टा। तो उनका भी क्या उसमें है, कुछ लिखा पड़ी? एक बिछुआ नहीं नाम, ऐसे कब्जा की है, ऐसे कब्जा की है भाई। अगर आज अनशन बैठे हैं, सुनवाई नहीं होती है, तो क्या अनशन चलता रहेगा? अनशन आप चाहे महीनों बीत जाए। मैम, पालनगर में एक परिवार अनशन बैठा हुआ है, उसका कहना है कि उसकी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। क्या मैम इसके कार्रवाई की जाएगी इस मामले में? क्या पूरा मामला है ये? जी, अभी हमें क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई है कि अमर सिंह ये शायद अपने परिवार सहित ही अनशन पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि इनकी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इसमें मेरे द्वारा पहले ही जांच कराई जा चुकी है। मौके पर इनका जो रकबा है वह पूरा है। ये क्षेत्रीय लेखपाल कानून और तहसीलदार की रिपोर्ट से जानकारी हुई है। इसके अलावा जो राम प्रसाद पुत्र भारत सिंह हैं, उनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस बात की पुष्टि हुई है कि इनके द्वारा पुनर्वास की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इसके संबंध में तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 का बेदखले का वाद चल रहा है, जिसमें 31/10/23 तारीख नियत है। न्यायालय की कार्रवाई के उपरांत ही कोई भी अग्रिम मेरे तरफ से कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।